तरह की धोखाधड़ी हुई है उसे सिर्फ एक लापरवाही, कमजोरी या गलती बता देना काफी नहीं है, और उसके लिए किसानों को थोड़ी सी मामूली राहत की राशि दे देना काफी नहीं है। स्वराज अभियान ने पंजाब के नरमा किसानों के संघर्ष में उनका साथ दिया है, और इसी संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए हमने फैसला किया है कि पंजाब के नरमा किसानों के इस केस को हम कोर्ट कचहरी में लेके जाएंगे। देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक प्रशांत भूषण, देश के गरीब मजदूर किसानों के दोस्त, उन्होंने तय किया है कि वो खुद स्वराज अभियान की तरफ से पंजाब के नरमा किसानों के केस को अदालत में लड़ेंगे। सिर्फ राहत नहीं, सरकार को डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। सरकार ने जो कुछ किया है, हर किसान को इनकम का जो नुकसान हुआ है उसके पूरे डैमेजेस, उसका पूरा मुआवजा सरकार से मांगते हुए हम कोर्ट में जाएंगे, और इसके लिए 27 तारीख को बठिंडा में किसानों की एक जनसुनवाई है। किसानों से अर्ज कर रहे हैं कि वो अपने कागजात लेके आएं, अपने वकील के रूप में प्रशांत भूषण को नॉमिनेट करें, ताकि वो उन सब की तरफ से कोर्ट के अंदर जाएं और किसानों को जो उनका हक मिलता है वो दिलाएं। सर, ये हाईकोर्ट में लड़ेंगे या सुप्रीम कोर्ट में, क्या डिसाइड है? पूरी जन सुनवाई होके किसानों का पूरे मामले को समझने के बाद प्रशांत भूषण जी तय करेंगे कि इस मामले को किस कोर्ट में और एग्जैक्टली किस सेक्शन, किस क्लॉज के तहत लेके जाना है। सर, जो सीएम पंजाब है वो हर बार यही दावा करते हैं कि जिस तरह गुआढ़ी सूबा हरियाणा आ, हरियाणे भी वाइट फ्लाई के नुकसान होया कि पंजाब दे विच दूजे सूबे दे नाल ज़्यादा मुआवजा दिता गया कि होर किसी स्टेट दे वलों नहीं दिता गया, ये उन्हों का दावा है। कह रहे असीं वध कर रहे हैं किसानों के वास्ते। कुछ कहना? मुझे अफसोस होता है और हंसी आती है ऐसी बातें सुन के जब पंजाब के मुख्यमंत्री अपने आप को दूसरे स्टेट से कंपेयर करते हैं। पहली बात, क्या दूसरे स्टेट्स की सरकारों ने चुन के अपनी तरफ से बेचा था इस पेस्टिसाइड्स को फार्मर्स को? पंजाब में सरकार की जिम्मेवारी सिर्फ इतनी नहीं है कि पंजाब की सरकार ने अप्रूव किया, जिम्मेवारी सिर्फ इतनी नहीं है कि लाइसेंस दिया। पंजाब में सरकार ने सेलेक्ट करके सरकार की तरफ से बिकवाया, वो करने के बाद उसके बाद आप राहत नहीं दे सकते। ये कोई ओले नहीं पड़ गए बारिश के ऊपर से, ये सरकार की तरफ से क्रिमिनल काम हुआ है, और उस क्रिमिनल काम की जिम्मेवारी से आप ये झाड़ नहीं सकते कि मेरे पड़ोसी ने ये किया, मेरे उसने ये किया। मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये ऊपर से आया हुआ सूखा या ओलावृष्टि नहीं है, सरकार ने क्रिमिनल काम किया है किसानों के साथ, और उस क्रिमिनल चीज़ की एक ही सजा होती है कि इसकी पूरी भरपाई हो, इसके अंदर हुए करप्शन की जाँच हो, और जो जो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबल है सबको इसके अंदर दोषी ठहराया जाए। पंजाब में वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए आप बात कर रहे हैं, इस सरकार में शामिल हो गए? सरकार की बातें तो बहुत दूर की चीजें हैं जी, सरकार तो हम सोचते नहीं हैं। पंजाब को आज एक नए और सच्चे विकल्प की जरूरत है। अकाली बीजेपी सरकार से लोग ना सिर्फ निराश हैं, ना सिर्फ नाराज हैं, बल्कि नफरत करते हैं। ऐसी सरकार के विकल्प के रूप में लोग ऐसी पार्टियों को नहीं देखते जिनके नाम तो अलग हैं लेकिन जिनकी पॉलिटिक्स अकाली बीजेपी से अलग नहीं है। वही पर्सनैलिटी कल्ट की पॉलिटिक्स, वही फैमिली की पॉलिटिक्स, वही दरबार, किसी का दिल्ली दरबार की पॉलिटिक्स, ये अकाली बीजेपी का विकल्प नहीं हो सकता। पंजाब को एक सच्चे ऑल्टरनेटिव की ज़रूरत है। पंजाब की जनता बेसब्री से इंतज़ार कर रही है ऐसे एक सच्चे ऑल्टरनेटिव का, ताकि पंजाब में एक नई शुरुआत की जा सके। हम सब बहुत छोटे लोग हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा एक नया ऑल्टरनेटिव पंजाब में तैयार हो सके। ये पंजाब के सब तरक्की पसंद लोगों की, सब जनता से जुड़े हुए लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि वो एक ऐसा ऑल्टरनेटिव पंजाब में पेश करें। अभी तो इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि खडूर साहब के अंदर अगर बाय इलेक्शन होता है तो पूरे पंजाब की निगाह उस इलेक्शन पे रहेगी। पूरा पंजाब उस इलेक्शन को एक मौके की तरह देखेगा कि इन अकाली बीजेपी को एक सबक सिखाया जाए और इसकी जगह एक सच्चा अल्टरनेटिव पंजाब के सामने पेश किया जाए। तो जाहिर है पंजाब के जितने भी
तरक्की पसंद लोग हैं, पंजाब के जितने भी जनता पसंद लोग हैं, लोगों के साथ लोक भलाई वाले लोग हैं, सबकी जिम्मेवारी बनती है कि उस इलेक्शन में एक सच्चा ऑल्टरनेटिव पेश करें। हम भी अपनी तरफ से उसमें जो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जरूर करें। हिंदुस्तान की राजनीति से एक रिवाज बन चुका कि जो तुम पावर चाहते हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी हो, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे वह बीजेपी हो, चाहे वह मुलायम की पार्टी हो, चाहे वह ममता की पार्टी हो, जो भी तुम सत्ता चाहते हो, तो जेकर करप्शन के खिलाफ चाहे थोड़े मिनिस्टर ने, चाहे थोड़ी ब्यूरोक्रेटिक जो है ब्यूरोक्रेसी है, वह कोई कार्रवाई होंगी है तो हमेशा इन पोलीटिकल वंडेटा या जी सियासी दुश्मनी है वह खाते पाता जाता। मैं कहना प्रैक्टिस ही बंद होनी चाहिए हैगी है कि जदों तुम सत्ता से बचाने हो, जे वो बेईमान बेईमानी के खिलाफ या करप्शन के खिलाफ, थोड़े किसी अफसर के खिलाफ, और खास करते थोड़ा प्रिंसिपल सैकटरी है जो बड़ा एक मुख्य अफसर है साड़ी सरकार का दिल्ली में, जो उसके खिलाफ एक सीबे रेट हों है, तो इस जिस तरह की प्रतिक्रिया दिती हैगी है, इनू सिर्फ महज वेंडेटा कह के कि सियासी तौर पर दुश्मनी हैगी है, इनू रद्द करना चाहिए, खिलाफ आवाज़ बुलंद करना, सगो ये कहना चाहिए सगा कि जो उन्होंने हम छापा दि मारिया है ये अपने प्रिंसिपल सैकटरी से सरकार जी कार्रवाइया ने उन्हों की पूरी इंक्वायरी होकर इनू सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि साड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी करप्शन के खिलाफ ही होनी चाहिए हैगी है, और करप्शन के फ्री एक हिंदुस्तान, करप्शन रहित हिंदुस्तान, एक ईमानदारी सियासत वाला हिंदुस्तान यदा एक निशाना रहा है। अज जो करप्शन के एक मामले छापा पैंता एक अफसर से, उन्होंने इस तरह का प्रतिकर्म मैंने इस तरह की आस नहीं सी। और दूजा मैं भी कहना कि जिस तरह की भाषा का यूज किया गया है प्रधानमंत्री के खिलाफ, साड़ी बहुत बार बखरे विचार होंगे ने, बड़े तिखे प्रतिकर्म भी आप करते हैं, पर भाषा की जी शालीनता हैगी है, एक जी लैंग्वेज हैगी है, उसकी जो एक डिसिप्लिन हैगा जो एक जी मर्यादा हैगी है, वह कदे भी एक सियासी व्यक्ति को इस तरह की भाषा शोभा नहीं दिंदी हैगी है, तो मैं उससे भी हैगा। और दूजा रहे गल कि जी अरुण जेटली की गल हैगी है, दिल्ली जो करप्शन का मुद्दा हैगा, मैं चाहता कि पूरी तरह जो भी सबूत ने श्री केजरीवाल जी से पूरी इंक्वायरी करके उन्होंने खिलाफ़ भी मुकदमा दर्ज हो, सज़ा दी जाए, और जिस तरह बाकी खिलाफ आप मांग करते हैं, और पर नाल दी नाल जिहड़ा इन्हां दे अपना उन्होंने प्रिंसिपल सैकटरी है उसके खिलाफ़ भी, मिस्टर रजिंदर के खिलाफ़ भी, उन्होंने खिलाफ़ भी जिहड़ा जिस तरह प्रतिकर्म है, जो इन महज वेंडेटा कह के सियासी दुश्मनी करके कर रहे हैं, मैं सुना ये स्टैंड ठीक नहीं है। ये आम आदमी पार्टी की जी स्पिरिट हैगी है, भावना हैगी है, उसके खिलाफ़ लड़ाई हैगी है, ये अनुसार नहीं है, और ये बिल्कुल मैं इस गल दे